एक बर्गर आप आराम से बहुत ही सस्ते में घर पर ही बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। एक बर्गर बनाने का बहुत ही आसान रेसिपी दोस्तों, चलिए आज आपको पूरी रेसिपी हम दिखाते हैं। देखिए, दो बन ले लिए हमने और दो अंडे ले लिए हैं। एक बन के लिए, एक बर्गर के लिए एक ही अंडा यूज़ करेंगे हम। उसके बाद में हमने ले लिया है, देखिए, शेजवान चटनी है, टमाटो है, कांदा है और काकड़ी है, हमने पहले से ही काट के ले लिया था। चलिए अभी तेल गरम कर लेते हैं। रख लिया है हमने तवा और उसके ऊपर अभी डाल देते हैं तेल। तेल डालने के बाद थोड़े टाइम हम लोग तेल गरम होने तक रुकेंगे। अभी देखिए दोस्तों, तेल गरम हो चुका है और उसके अंदर डाल देते हैं अंडा। अंडा फोड़ के, अंडा हाफ फ्राई ही करना है, हमें फुल फ्राई नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे स्वाद आने के लिए मिर्ची पाउडर और नमक। ये डाल दिया है अभी नमक, और नमक के बाद हम लोग डालने वाले हैं मिर्ची पाउडर। ये थोड़ा सा लाल तीखा मिर्ची पाउडर अभी डाल दिया है, और एक को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको थोड़ा ही फ्राई करना है। एक ही बार हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उल्टा मतलब ऐसे देखिए इस तरह से निकाल के इसको एक ही बार ही फ्राई करना है। चलिए दोस्तों, तो फ्राई चालू है और ये हो चुका है हमारा अंडा, हाफ फ्राई रेडी हो चुका है। अभी इसको निकाल लेते हैं हम, एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं जब तक आगे का रेसिपी हम लोग बना लेते हैं। बन को इस तरह से काट लीजिए। बन को इस तरह से काटने के बाद हमने जो भी सामग्री आपको दिखाई थी उसको अभी हम लोग इस तरह से बनाने वाले हैं। अभी डाल देते हैं टमाटो केचप, पहले बर्गर के ऊपर काटने के बाद ये डाल दिया है टमाटो केचप हमने। उसके बाद में अभी हम डालने वाले हैं मेयोनीज़। मेयोनीज़ देखिए छोटा सा पैक है हमारे पास, ये छोटे छोटे पाउच भी मिलते हैं मेयोनीज़ के, और इस तरह से मेयोनीज़ भी आप डाल दीजिए। मेयोनीज़ डालने के बाद आपको डालना है जो हमने सामग्री आपको दिखाई थी, टमाटो। ये देखिए टमाटो आ गया, टमाटो डाल दिया है अभी हमने। टमाटो डालने के बाद कांदा भी डाल दीजिए उसके ऊपर, और देखिए उसके बाद में डाल दीजिए काकड़ी। काकड़ी इस तरह से डाल दीजिए, शेजवान चटनी भी डाल दीजिए इस तरह से। शेजवान चटनी के बिना तो कुछ मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। अगर थोड़ा तीखा आपको अच्छा लगता है तो शेजवान चटनी डालिए, या फिर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में हाफ फ्राई एक करके हमने रखा था उसको डाल दीजिए, और थोड़ा सा केचप और डाल दीजिए। केचप ज़्यादा रहेगा तो आपको स्वाद अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा केचप डालेंगे बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला है। उसके बाद में थोड़ा सा मेयोनीज और डाल देते हैं इस पर, और अभी हमारा रेडी होने वाला है एक बर्गर। एक बर्गर मतलब अंडे का बनाया हुआ घर पर ही अंडे का बर्गर, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसे टेस्ट करने के लिए अभी ले चलते हैं हम रणवीर के पास। चलिए फिर, अभी रणवीर कहाँ पे, ढूंढिए जल्दी से, रणवीर कहाँ है, ये दिखा रणवीर। रणवीर ट्राई करो इसको अभी, कैसा है हमें टेस्ट बताओ। और बहुत ही स्वादिष्ट है, रणवीर तो बोल रहा है। इस तरह से बहुत ही बच्चों को पसंद आने वाला एक बर्गर आप आराम से बहुत ही सस्ते में घर पर ही बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए।